doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies. In America, there is an inheritance tax. One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. That's an interesting law. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Suna aapne, Rahul Gandhi ke dost Sam Pitroda kya keh rahe hain? नहीं सुना तो एक बार फिर सुनिए। Doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies. In America, there is an inheritance tax. One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. That's an interesting law. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. राहुल गांधी के खास दोस्त और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक नया शगुफा छोड़ दिया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, यानी अगर किसी के पास $10 करोड़ की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को मिलती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। ये बड़ा ही दिलचस्प कानून है। पित्रोदा ने कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ जिसके पास जो संपत्ति है वो उसके मरने के बाद उसके बच्चों को ही मिलती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। It doesn't mean, but doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. In America, there is an inheritance tax. If, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. That's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. अब चुनाव का वक्त है। ऐसे में कोई भी नेता अगर इस तरह का अटपटा बयान देता है तो उसकी पार्टी इसे नेता की निजी राय बोलकर पल्ला झाड़ लेती है। यही कांग्रेस ने भी किया और पित्रोदा के इस बयान से खुद को अलग कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये उनके निजी विचार हैं। इसका पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वहीं सैम पित्रोदा के इस अजीबोगरीब बयान पर बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और इनका हमेशा से यही मकसद रहा है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। तो आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सैम के बयान पर पलटवार करते हुए पूरी कांग्रेस को घेरा है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ में एक रैली के दौरान पीएम ने कहा, कांग्रेस का कहना है कि वो माता पिता से मिलने वाले विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप अपनी कड़ी मेहनत से जो संपत्ति जुटाते हैं, कांग्रेस की सरकार बनी तो वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा आपकी संपत्ति आपसे छीन लेगा। कांग्रेस का ये मंत्र आपको लूट लेगा। इनका मंत्र है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी को पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो नहीं चाहते कि सामान्य भारतीय अपने बच्चों को कुछ दे जाए, सब कांग्रेस को मिल जाए। विरासत पर दिए बयान के बाद देश भर में हो रही किरकिरी के बाद हमेशा की तरह सैम पित्रोदा ने यू टर्न लेते हुए एक्स पर लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। किसने कहा कि 55% संपत्ति छीन ली जाएगी?
किसने कहा कि ऐसा कुछ भारत में भी किया जाएगा? बीजेपी और देश का मीडिया इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने अमेरिका के विरासत टैक्स का उदाहरण अमेरिका के लिए ही दिया था। क्या मैं तथ्य नहीं बता सकता? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। मेरे बयान का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अब कोई सैम साहब से पूछिए कि अगर आपके इस बयान का भारत से कोई लेना देना नहीं है तो क्यों ठीक चुनाव के वक्त आपने ऐसा बेतुका बयान दिया है? आपके इस बयान से जहां देश की जनता घबरा रही है तो वहीं आपकी अपनी पार्टी के लिए भी ये मुसीबत का सबब बन गया है। इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।